हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड की रेसिपी। तो इसकी रेसिपी के लिए हम चलते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुक विद मधु में। तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और फिर इसमें 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हमने ये वेजिटेबल्स यहाँ काट के रखी हैं। 3 तरह की कैप्सिकम है, ग्रीन, येलो और रेड, और टमाटो और ऑनियन। तो ये सारी चीज़ें हमने काट के रख ली हैं और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें एक बाउल लेते हैं और इसमें इसको मिक्स कर रहे हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, क्यूब में काट लिया है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी नहीं करनी है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, वेजिटेबल्स के हिसाब से। और इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं इस बाउल में। और जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे से। तो ये हमारे मिक्स करने के बाद एक पैन में हम 1/2 चम्मच के लगभग ऑयल लेते हैं और उसमें इन सारी सब्जियों को डाल देते हैं और ये हमें 5 मिनट तक स्टिर करके सॉटे करना है। बस ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, सिर्फ सॉटे ही करना है। यहाँ पर ये पक चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर आ चुका है, ये सॉटे हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं पकाने हैं। और अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, उस मक्खन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला है। अब हम यहाँ पर एक ब्रेड लेते हैं। अब हम बनाएंगे ब्रेड पार्सल। ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम बना रहे हैं ब्रेड पार्सल। अब ब्रेड की रेसिपी है ये आज। तो इसको हम पहले लगा लेते हैं ब्रेड पर और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे पिज्जा सॉस। ये हमने पिज्जा सॉस लगा लिया, पास्ता सॉस भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर फिर हम लगाते हैं, बीच में ऐसे ही लगाते हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और हम इसको सब्जी को इसमें रख लेते हैं अच्छे से। इससे फिलिंग करनी है हमने और ऊपर से हम इसमें डाइस्ड चीज डाल देते हैं अमूल की। ये मोजरेला चीज है तो इसको अच्छे से डाल लीजिए, जितना आप चाहें, जैसे चीज़ आप खाते हो। तो इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको बनाकर देखिए रेसिपी को एक बार, बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी रेसिपी बनेगी और ये आपको बहुत पसंद आएगी। उसी तरह से हम दूसरी ब्रेड को भी कर लेते हैं और इस तरह से हम उसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ बनाकर। ये हम पिज़्ज़ा डाल लेते हैं, सॉरी डाइस चीज डाल रहे हैं हम यहाँ पर, और इसको अच्छे से ये टूथपिक से इसको बंद कर देना है। इस तरह से मैंने 2 ब्रेड पार्सल बना लिए हैं, उसी तरह से हम बाकी के बना लेते हैं। तो ये मेरे यहाँ पे 4 बना लिए हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं 4 बन चुके हैं। अब हम इसको, जो हमारा मक्खन और गार्लिक पेस्ट का थोड़ा सा बच गया था तो उसको इनके ऊपर लगा देते हैं। और इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा मक्खन लेते हैं और मक्खन को हम कढ़ाई को ग्रीस कर लेते हैं मक्खन से। और इसमें हम डाल लेते हैं अपने जो हमने ब्रेड पार्सल बनाए हैं, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह से रखते हैं कि चारों आ जाएं। तो 4 हमने यहाँ फिट कर दिए हैं और हम ढक्कन बंद कर देते हैं इसका। आप देख सकते हैं चीज़ हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये आपको लो पे, गैस पे बनाना है, बिल्कुल आप सिम रख दीजिए, बिल्कुल कम करके लो गैस पर।
बिल्कुल हाई नहीं करनी है और बिल्कुल आपके ये पक जाते हैं बहुत अच्छे से। क्रिस्पी ब्रेड बनती है और बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग डिश बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी मोजरेला चीज़ है, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये बनकर मेरे ब्रेड पार्सल तैयार हो गए हैं और ये बहुत पसंद आए घर में, जब मैंने बनाए तो सबको बहुत पसंद आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही मैं आपको नई नई रेसिपी डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।